शिवपुरी जिला मुख्यालय पर न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी शर्तें रखी। शर्तों में बताया कि शासकीय अवकाश या रविवार होने के बावजूद भी हमें टीकाकरण के लिए जाना पड़ता है। ड्यूटी का समय निर्धारित नहीं है। सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक हमें टीकाकरण हेतु जाना पड़ता है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो हम पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। अति जोखिम क्षेत्रों पर टीकाकरण के लिए नियमित समय पर पहुंचना पड़ता है। टीकाकरण में अपने ड्यूटी पूरी करने के बाद हमें जूम मीटिंग भी अटेंड करनी होती है। जूम मीटिंग अटेंड न करने पर उच्चाधिकारियों द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके हम पर निशाना साधा जाता है। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी गई, परंतु यह हमें कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। इसके लिए समस्त ANM नर्सिंग एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नाम है आपका? मैं ललित कुमार मोर, जिलाध्यक्ष न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश। आज आपने जो आवेदन और जो ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मामला है? आज हमने जो ज्ञापन दिया है न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले, हमारी टीकाकरण महाअभियान के दौरान मैदानी कर्मचारियों की 7 तरह की समस्याएं, इनके संबंध में हमने अपना आज ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब हमारी इन ज्ञापनों को ध्यान में रखकर के निराकरण करेंगे। तो हमारा पहली जो इसमें समस्या है वो है शासकीय अवकाश रविवार या कोई भी शासकीय अवकाश जिस दिन घोषित होता है उस दिन भी स्वास्थ्य विभाग में COVID-19 टीकाकरण सत्र आयोजित करके सभी कर्मचारियों का, जिसमें खास करके ANM MPW LHB भी सुपरवाइज शामिल हैं, इनको ड्यूटी पर लगा दिया जाता है और इनको शासकीय अवकाश का कोई लाभ नहीं दिया जाता। साथ में जो ड्यूटी करने का समय निर्धारित है किसी भी डिपार्टमेंट में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का है, लेकिन हम स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया है। सुबह 6 बजे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मैसेज डाल दिया जाता है कि आप अपने टीकाकरण सत्र पर पहुँच करके वहाँ का एक पिक डालिए, आप 6 बजे पिक डालिए, रात को जब तक आपका पूरा वैक्सीन ख़त्म नहीं होता तब तक आप टीकाकरण सत्र को जारी रखिए, चाहे रात के 9 बज जाएँ। अरे ये कोई काम करने का समय है क्या? निर्धारित तो करिए आप कितने समय तक हमसे काम कराना चाहते हैं। शासन चाहती है कि 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की जाए, लेकिन हमारा तो यहाँ कोई घंटा ही निर्धारित नहीं है, 24 घंटे लगे हुए हैं। लक्ष्य पूर्ति दी जाती है कि आपको इतने 100 टीके लगाना है। अरे 100 टीके लगाना है, उसकी कार्य योजना बना करके आप अधिकारियों के साथ मिलकर के हमसे काम करा लीजिए। हमारी ANM MNG सत्र पर बैठ करके 100 ही टीके लगा देगी, लेकिन उसकी कोई कार्य योजना नहीं है और उसके नाम पर हमारे कर्मचारियों को डांटा और फटकारा जाता है कि हम आपने लक्ष्य पूरा क्यों नहीं किया। अति जोखिम क्षेत्रों में हमारी ANM BNG को भेज दिया जाता है, जहाँ कोई साधन नहीं, ना बस का ना बाइक का जाने का, नदी के रास्ते ट्यूब पर बैठ करके हमारी बहनों को जाना पड़ता है। अगर इस बीच दौरान यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन की होगी? ऐसे दुर्गम स्थानों पर सत्र आयोजित करते समय टीम वर्क से वहाँ पर काम कराएं, अधिकारी अपने वाहन को भेजें और टीम द्वारा काम कराएं। जूम मीटिंग का समय निर्धारित नहीं है, रात के 9 बजे जूम मीटिंग, 11 बजे जूम मीटिंग, सुबह 6 बजे जूम मीटिंग। अरे ड्यूटी टाइम में आप जूम मीटिंग कराइए, हम करने को तैयार हैं। किसी भी कर्मचारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, अरे तुमने अपना टीकाकरण लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि कोई भी अधिकारी इस तरह का आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें मीटिंग के दौरान। अंतिम मांग हमारी टीकाकरण महाअभियान में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।